नेट से छाए पे हो, सोशल मीडिया से छाए पे हो अपने मुशायरिया करके, ये की राज है इन लम्बे जड़े मुशायरे ते इन्ने लम्बे दाड़े दा ते? जी राज गुरु साहब बेहतर जानते हैं जी। राज इदा है बाबा जी, मतलब कि परिवार च ही है, जीन्स च ही है पहली गल तो, और उस तो बाद मैं थोड़ी सांभ संभाल इन्हों की ज्यादा करना, जिदा दो तीन टाइम इन्हों तेल लाना, वॉश करना बड़े चंगे तरीके, जिदा बाजार चो कटे मिट्टी चो जाके डस्ट चो घर जाना, इन्हों साफ करना, ड्राई नहीं मैं मारदा, शैंपू का इस्तेमाल नहीं मैं करता, और तेल दो तो तीन टाइम मैं चाहे गर्मी हो गए जिनी मर्जी जून जुलाई मैं इस्तेमाल करना, सो थोड़ा ख्याल भी रखना पैदा। किन्ने साल हो गए इदा तो रखे हुए? मेरे ख्याल मैं नाइन्थ स्टैंडर्ड चूंगा जी, 19 साल हो गए बस, 19 साल तो हाँ जी, 19 9th च मैं रखनी है, मैं जो मेरे आनियाँ शुरू हुई हैं फिर मैंने शौक पैना शुरू हो गया पिता जी वाल देख के, और 19वां साल चल रहा जी। किस तरह लगता जो लोग आके इन्नी इज्जत देंगे है, फोटो खिंचाते हैं ना ला के? हाँ जी बड़ी खुशी होंगी है, माण महसूस हों, उस तो ज़्यादा माण मैनू अपने गुरु साहब से महसूस हों, जिन्होंने इन्ना सोहना दाड़ा बख्शिया, माण गुरु से है जी, फिर उस तो बाद मैनू खुशी जरूर होंगी है, और कई बार विराग भी मन दे आ जाता कि जिदा एक माणे जे बंदे इन्ना माण मिलना, इन्ना सत्कार मिलना कि जिहड़ा मेरे को सांभिया नहीं जाता कई बार, सो भांडा छोटा है तो सामना औखा जाता। देखे असं भी काम कार छड़ के भी तुम्हें फोटो खिंचाणिया पैंदियां, तो काम कार दे विच हर्ज नहीं हुंदा? देखो जी प्यार मिलता बिना कुछ खर्चिया अपन है ना, कुछ लाया प्यार मिल जाता, फिर काम नूं कई बार पिछे भी करना पैंदा, और फोटो कराने तो बाद दुध की सेवा भी कर ली दी है, और तकरीबन इदा हों जो फोटो करवा तकरीबन ऑलमोस्ट दुध पी के ही जाता, सो नुकसान नहीं होंगे काम का। जिस तरह लोग तो मिलन आते हैं हूँ जी, सब तो वधिया किहदा लगा तुहानू मिलना, कोई किस्सा जिहड़ा तुहानू बड़ा दिल के कोल छू गया हो? सारे ही बड़े चंगे आ जी, और कुछ किसे इदा कोई याद रह जाते, जिदा कुछ महीने पहला दो तीन महीने पहला न्यूजीलैंड तो सिंह सीगा अपना सरदार अमनदीप सिंह जी बोरने उत्थों दे, वो मैनू मिलन आए और कहिंदे जी मैं जदों न्यूजीलैंड तो चलिया अपनी फ्लाइट तो फ्लाइट लई जदों मैं ये सोचा सीगा कि मैं अमृतसर की धरती है जिहड़ा सिंह मैनू जां कोई इंसान मैनू विलखण नज़र आऊगा मैं उन्हूं कृपान भेटा करूँगा, सो वो मैं दुध की सेवा कर रहा सी, वो आया मेरे को आ गए मैनू गल ना ला लिया और भावुक हो गया, और मैं भी विराग च ही आ गया जी, मैं कहा हाँ जी वीरे की गल हो गई, वो मैनू कहिंदे जी मैं तुहाडी शख्सियत तो तुहानू देख के तुहाडा चेहरा देख के है ना जी दाड़ा प्रकाश दे के बड़ा प्रभावित होया, और मैनू इंग्लिश कहिंदा आई एम नथिंग फ्रंट ऑफ यू, तो मैं कहा नहीं वीरे असी उस अकाल पुरख अगे सारे कुछ नहीं है ना जी, अकाल पुरख ही सब तो वड्डा समर्थ आ, असी सारे वो अगे कुछ नहीं है, इदा नहीं कहना, फिर वह कहता जी 2 मिनट का समा दो मैं अपने रूम च हो गया, और वह अपने रूम च हो गया, और श्री साहब एक चॉकलेट का डब्बा और मैं कोई डॉलर दे के जाता, और उन्होंने पिता जी कहते मैं जिन्ने दिन इतने हाँ पुत्रा मैं महाराज के दर्शन करके गुरु रामदास जी उस तो बाद तेनू मिल के फिर अपने किसी काम से जाया करूँगा, सो एक हो गया एक रीसेंटली गल आ एक दो दिन की, एक माता जी सी मेरे चैनल वाले इंटरव्यू कर रहे थे, और इंटरव्यू तो बाद माता जी कहते पुत्र जी मैं थोड़े ना फोटो करवानी हाँ, मैं कहा जी ऐनू मेरी माँ मेरे धन भा गया है ना भी तुसी मेरे ना फोटो कह रहे हैं मैं तुहाडे ना करवानी है मेरे धन भा गए, और मेरे ना फोटो कराने तो बाद वो रोन लग जाते जी तो मैनू गले ना ला लेंदे आ, मैं कहा माँ मेरी ये की गल होगी, कहिंदे जी काश मेरा पुत्र भी तेरे पुत्र वर्गा हुंदा, जां मैं अगले जन्म च जे माँ बन के आवां ते मैनू तेरे वर्गा ही पुत्र मिले, सो इदां दा मान सत्कार मैनू कई बार अक्सर मिल जाता, सो बड़ा भावुक जिहा सीगा ओह, मैनू हुण वी मैं थोड़ा जिहा उस चीज़ नूं महसूस कर रहा कि उन्होंने मैनू इन्ना आशीर्वाद दिता। हाँ तो अज की जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है की कहना चाहोगे उन्होंने जिहड़े दाड़ी मुछां तों काफ़ी वंजित भी हो जाती है? जी देखो मैं अक्सर इंटरव्यू दे विच कहना हुंदा ये तो बहाना आ जी उन्हों का भी मतलब संगत का कि पग नहीं बननी कीस नहीं रखने, एक पंजाबी बड़ी कहावत है मैं नहीं वसना वो दाड़ी हिलती है बहाना, सो ये बहाना आ एक है ना, पर मेरे ख्याल ना काफ़ी फर्क पै रहा हूँ, मतलब जिदा चलो कलाकार ही ला लो उन्होंने वाले वेख के भी जिदा कम से कम दाड़ी कट्टी चलो पग तो सजाई होंगी है, मेरे ख्याल ना काफ़ी फर्क पै रहा लोग सिक्की वाल बैक टू सिक्की आ रहे हैं मेरे ख्याल। तो अपना तुम आदर्श किनू मनते हो? मेरे आदर्श जी अपने गुरु साहिबान ही है जी,
ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਵੇਖੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਪਹਿਚਾਨਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰੀਦੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਦਣ ਘਮੰਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਬਾਬਾ, ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਣ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਘਮੰਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਆਪੇ ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ।